लास्ट वाले वीडियो में हमने ये बोर्ड बना के दिखाया था, लेकिन आज के इस वीडियो में जो इसका एक प्रॉपर टेस्टिंग करने वाले हैं, क्या ये बोर्ड किसी की जान बचा सकता है, वही आज इस वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं। वीडियो के एंड में मेरे नाम फटाफट वीडियो करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाते वक्त अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो होता है आपकी पीसीबी। आपकी पीसीबी जितनी ज्यादा बेस्ट होगी उतना प्रोजेक्ट आपका बेस्ट बनेगा। तो आज जो मैं आपको वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है एलटीएम डिजाइनर। आप जो इससे काफी आसानी से पीसीबी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसका इंटरफेस जो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, और तो और इनके पिछले 35 साल की इनोवेशन और डेवलपमेंट के बाद में आज जो है इनका सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सिस्टम है। तो इससे जो है आप पीसीबी की छोटी से छोटी डिटेल को एनालाइज कर सकते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्ट है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को भी बाय करना चाहते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड थाउजेंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर आपको जो है वोक्ता पार्ट्स में मिल जाएंगे। तो वहां पर जाकर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को परचेज कर सकते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, फटाफट जाकर आप चेक करें। यहाँ पे हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हो रहा है, और अभी तक आपने अगर पूरा मेकिंग का वीडियो नहीं देखा होगा तो ऑलरेडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, नहीं तो आप चैनल पे भी जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो जब इसको हमने चला रहे थे तो हमने इसमें वाटर प्रूफिंग पूरा नहीं किया था केसिंग को, बस हमने ऊपर पैक करके रख दिया था। तो पानी का बहाव लहर इतनी ज़्यादा थी कि बोट कुछ टाइम पलट भी गई थी, तो जिसकी वजह से पानी अंदर चला गया और ESC खराब हो गई थी। तो जब आप ये बोर्ड अगर बना रहे हो तो उस समय जो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसके अंदर ESC और आपका Node MCU जो भी है उसको आप अच्छे से पैक कर दें और उसके अंदर पानी न जाए, ठीक है। ये चीज़ें आप कर सकते हैं और ओवरऑल काफ़ी मज़ा भी आया और बोर्ड ने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। और आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम कोशिश करेंगे कि आपको बोर्ड के सेक्शन में और भी बड़ी बड़ी बोर्ड्स बना के दिखाएं और कुछ ऐसी बाइक्स भी बना के दिखाएं जो पानी और रोड पे दोनों ही चले, इस हिसाब से भी हमारी प्लानिंग है। तो हमने सोचा कि इस सेक्शन में भी हम पानी के अंदर चले तो ये भी स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक बोर्ड से स्टार्ट किया है, आने वाले टाइम पे हम लोग भी बैठ के चला सके ऐसे वाटरिंग साइकिल बाइक भी बोल सकते हैं, ऐसा भी आने वाले टाइम में हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और भी अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप जाके और भी नए नए प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं जिसपे आपको और भी अलग अलग इसी तरीके से और भी इससे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।